जैसे आपने देखा है कि मैं होली पे भी फैमिली के साथ था, मैं हर हर फेस्टिवल पे फैमिली के साथ रहता हूँ, बच्ची के साथ रहता हूँ, वाइफ के साथ रहता हूँ, हर जगह वाइफ के साथ खड़ा हूँ। इतनी ट्रॉलिंग के बाद भी मैं वाइफ के साथ खड़ा था और मैं आज भी उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच का विवाद अब काफी आगे बढ़ चुका है। हसीन जहां ने अपने पति मोहम्मद शमी पर काफी संगीन आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ उन्होंने शमी के भाई पर बलात्कार करने का आरोप तक मढ़ दिया है। शमी ने मुझे धक्का दिया उस रूम में, धक्का दे के शमी ने वो दरवाजा लगा दिया और हसीन ने मेरे साथ गंदगी करने की करता रहा। वो मोहम्मद शमी पर लगे इन आरोपों के बाद उनका करियर चौपट हो चुका है। अपने ऊपर लगे इन सारे आरोपों पर मोहम्मद शमी ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के इंटरव्यू में अपनी सफाई पेश की। जब उनसे फिक्सिंग के आरोपों पर लेकर सवाल किया गया तो इस सवाल पर शमी भावुक हो गए और फफक कर रो पड़े। मोहम्मद शमी ने कहा, जिसे जान से ज्यादा समझा उसने आज कहां लाकर खड़ा कर दिया है, पता नहीं था कि ये इस नंगई पर उतर जाएगी। मैच फिक्सिंग का आरोप शर्मनाक है, जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो ये सोचकर हमारे रोएं खड़े हो जाते हैं कि हम देश के लिए खेल रहे हैं। ये आरोप झूठा है, मैं देश के लिए जान भी दे सकता हूँ। अगर मैं मैच फिक्सिंग में दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे चौराहे पर फांसी पर लटका देना। मोहम्मद शमी से जब उनकी बेटी पर सवाल पूछा गया तो वो अपने आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। वायरल कीड़ा न्यूज। जहां तक सवाल 5 साल का, तो ये आज ही क्यों निकला? पिछले 5 साल से निकलने में इसको इतना टाइम कैसे लग गया? सो ये मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश है।